सुबह टाइम सुबह बज रहे हैं 7:30। तो कल शाम से गौरी को बुखार सर में दर्द हो गया बहुत ज्यादा। तो कल शाम को गाइस हमने खाना शाना नहीं पकाया, बिस्किट लेके आए उसी से गुजारा किया था। अभी भी चल बैठ, छोड़ो छोड़ो नहीं करो अम्मी को, क्या है गुड़िया को समझ में नहीं आता है, मेरी गुड़िया को बुखार है, अम्मी को बुखार है गुड़िया, वो परेशान हो गई, ये कह रही है उठो उठो। अब डॉक्टर के पास लेके जाएगा, अम्मी की तबीयत सही हो जाएगी फिर आपको खाना शाना बना के देगी खिलाएगी। बहुत बहुत तेज बुखार चल रहा है, ओए ये देखें गाइस बहुत तेज बुखार है और सर में दर्द है गाइस। तो अभी ना ये 4-5 मिनट डालूंगा तो उसी के बाद मैं ये सोच रहा हूँ गौरी को ना मैं डॉक्टर के पास लेके जाऊँ। गौरी को मैंने कहा लेकिन गौरी कह रही है मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं बाइक पे नहीं बैठ सकूँगी गिर जाऊँगी, तो अभी टेंशन में बैठा हूँ अभी क्या करूँ। ये सोच रहा हूँ कि गोली वगैरह देता हूँ तो कुछ बुखार वगैरह कम हो जाए, तो मोटरसाइकिल पे गाइस बैठने जैसे हो जाएगी, तो उसी के बाद मैं डॉक्टर के पास मैं लेके जाऊँगा। आपको पता चल रहा है गुड़िया, आपको पता चल रहा है, लो ले मेरे मेरे गुड़िया को पता चल रहा है अम्मी को बुखार आ गया है ना, अम्मी को बुखार आ गया है। ओ गोरी गोरी उठो उठो, सर में दर्द है, डॉक्टर के पास लेके चलूँ आपको? क्यों डॉक्टर के पास लेके चलूँ? क्यों क्यों बाइक में नहीं बैठ सकोगी? गोली वगैरह अभी मैं देता हूँ, कल गाइस शाम को मैंने गोली दी है, मैं अभी 4-5 वगैरह डालता हूँ क्योंकि धूप हो रहा है, धूप में गाइस और ज़्यादा बुखार गोरी को हो जाएगा। तो ये 4-5 पहले मैं अपने वाले डालता हूँ, ये तंगले बैठ गया उठा रही है कह रही उठो उठो, अम्मी को लेके जाऊँगा डॉक्टर के पास तबीयत सही हो जाएगी। हाँ मेरे गुड़िया परेशान क्यों होता है, अब खाना शाना बना के आपको खिलाता है कुछ? तो सुबह से गाइस तंगले बैठ कुछ खिलाया नहीं है मुर्गी, निकल जा। 4-5 वगैरह डालता हूँ तो उसी के बाद गौरी को कुछ मतलब बना के खिलाता हूँ, उसी के बाद गोली वगैरह मैं गौरी को दूंगा, तो मेरे ख्याल से गौरी की तबीयत सही कुछ हो जाएगी, तो बाइक पे बैठने जैसे हो जाएगी, बाइक पे बैठ जाए पैर टेंशन नहीं है। और तो कोई हमारे पास गाइस आपको पता है सवारी वगैरह है नहीं, मतलब कोई गाड़ी वगैरह है नहीं, बाइक पे बैठा के लेके जाऊंगा। और ऐसे गाइस मैं शहर नहीं जा सकता ऐसी हालत में गौरी को छोड़ के, वरना मैं डॉक्टर को लेके आता। तो अपन गाइस मैं 4-5 अपनी डालता हूँ पहले, तो उसी के बाद गौरी को लेके जाऊंगा। बिस्तर वगैरह ना ये गाइस मैं जल्दी जल्दी डाल देता हूँ, और अभी धूप हो रहा है, मैंने समझा कि गौरी की गैस तबीयत सही हो जाएगी, लेकिन बेचारी तबीयत सही नहीं हुई, वरना ये सारा काम गौरी खुद करती है, आपको पता है गैस खाना शाना हमें बना के देती है। ओए गिर जाएगा, ओए गिर जाएगा गुड़िया, गिर जाएगा ले गिर जाएगा, इधर बैठो अब वो आ रहा है सही है, फिर अम्मी को अंदर लेके जाते हैं सही है, लो ले नहीं नहीं डरता है या गुड़िया? दोनों हाथ से लेके जाऊँगा, एक हाथ से नहीं लेके जाऊँगा, एक हाथ से गाइस उठाना थोड़ा मुश्किल है, ये देखें गाइस ओए और इधर से ना ये ऊपर ये देखें तो इसी तरह का इसी 4-5 की मैं अंदर लेके जाता हूँ। सो ये 4-5 इधर मैंने अंदर डाल दी है, अपने गौरी को लेके आता हूँ, गौरी को इधर में बिठाता हूँ, तो उसी बाद ये वाले 4-5 ये मैं डालता हूँ। आज गाइस मौसम भी काफ़ी ख़राब है, झुड़ वाला मौसम लगा हुआ है, ऐसा मौसम लगा हुआ है शायद बारिश आ जाए, ये वाली गौरी अभी उठो, ओ गौरी उठो चल सकोगी, आ जा गौरी आ जा, उठो 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 ओए बहुत ज्यादा पसीना हो गया है, पहले ये पहनो, सर में दर्द ज्यादा है क्या गुरी? अभी भी है? सही है ओए ख्याल करना। और गाइस मैंने नहीं समझा कि चल पाएगी लेकिन बेचारी गिर रही है, तो गौरी को ना गाइस मैं लेके जाता हूँ अंदर बिठा देता हूँ, उसी के बाद मैं वो 4-5 डालता हूँ। आजा आजा तो इन्हें बेटी गिरना ना, ये बुआ आ रहा है बैठ जाओ, सही 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 गिरना नहीं ख्याल, सो जा। बिस्किट लेके आऊं? कोई चीज खाओगी बनाऊं? क्यों कोई चीज खाओ फिर मैं आपको गोली दूंगा बुखार उतर जाएगा सही है? हाँ जी। तो कोई चीज नहीं खाई गोरी को मैं बना के देता हूँ, या बिस्किट लेके आता हूँ कुछ खाया होगा ना तो उसी के बाद गोली देते हैं, आपको पता है गाइस मेरी गुड़िया ने गिर जाए। अब गुड़िया को मैं इधर लेके जाता हूँ, इधर आ जा, अब ऊपर आ जा। गुड़िया को भूख लगी है क्या? गुड़िया को भूख लगी है? अब वो कुछ बना के खिलाता है सही है? हाँ खिलाएगा मेरे गुड़िया का। और उसकी अम्मी की तबीयत सही होती है ना, पैसे को टेंशन नहीं होता, नीला शिला के खिला पिला के फुल कर देती है बेचारी का। लाले मेरे गुड़िया है, छोड़ के आता हूँ, अरे इधर अम्मी के पास बैठो आप, मैं वो 4-5 डालता हूँ सही है, अम्मी को तंग नहीं करना सही है, इधर बैठी रहना सही है, नहीं तंग करेगा मेरा गुड़िया, नहीं तंग करेगा समझ रहा है। ये वाले 4-5 ये डालते हैं, ये बिस्तर वगैरह लेके आते हैं, कुछ चीज बनाते हैं, इनको खिलाते हैं गौरी को तनिले बेटी को। और कभी कभी मैंने जिंदगी में सोचा नहीं था कि ये काम मुझे खुद करने पड़ेंगे, लेकिन बेचारी तबीयत सही नहीं, आपको पता है गाइस और हमारे पास कोई है नहीं कि मतलब ये काम सारा करके दे,
तो खुद को ही करना पड़ता है। वैसे यार अल्लाह का शुक्र है हमारी तबीयत वगैरह ज्यादा खराब नहीं होती है, लेकिन कभी कभार मतलब बुखार वगैरह गोरी को या मुझे आ जाता है। ज्यादा तक हम सेहतमंद सही होते हैं गाइस। ये आगे नहीं हो जा, ओ गिर जाए, इधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना। ओए अब मैं क्या करूँ, इधर नहीं, सर में दर्द है, जोर दे जोर दे जोर दे, सर में दर्द है जोर दे। गोरी को मैंने इधर सुला दिया, अभी भी बुखार बहुत ज्यादा है, सर में भी बहुत ज्यादा दर्द है, मेरा गुड़िया बहुत परेशान हो रहा है। रोना नहीं, मेरा शेर बचिया है, मेरा गुड़िया शेर है। लो इधर सर में दर्द है, कह रही गाइस, कह रही इधर दर्द है, ऐसे करो अम्मी को, ऐसे करो, आ इधर जोर दे, सर में जोर दे, आ जा जोर दे। तो अब गाइस मैंने गोरी इधर सुला दिया है, मैं जाता हूँ जल्दी जल्दी गोरी के लिए, बेटी के लिए मैं कुछ बना के लेके आता हूँ, तो मैं खिलाता हूँ, उसी बार मैं गोली दूंगा तो इंशाल्लाह बुखार कम हो जाएगा। थोड़ा बहुत गाइस गोरी को कुछ होता है तो मुझे डर इतना लगता है गाइस, मतलब कोई सहारा नहीं है ना उस वजह से थोड़ा बहुत। तो अपन का लकड़ी मैंने सेट कर दी है, अब मैं आग जलाता हूँ, तो आग जला के गाइस कोई चीज बनाते हैं, तो मैं भी खाता हूँ, उनको भी खिलाता हूँ, मुझे भूख टाट लग गई है गाइस। तो आग मैंने जला दी है, पतीले मैंने ऊपर ना सूजी का आटा डाल दिया है, सूजी का आटा मैं इसलिए बना रहा हूँ कि शायद गोरी भी खाएगी। सूजी आटे का जो हलवा होता है ना गाइस, वो तंजिला बेटी शौक से खाती है। तो आग भी गाइस मैंने जला दी है, ये सूजी का हलवा मैंने डाल दिया है गाइस, तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि ये कम है या ज़्यादा है। आयल मैंने इसे डाल दिया, सूजी का आटा डाल दिया है, तो इसको मैं घुमाऊंगा, थोड़ा ये भुग जाएगा तो उसी के बाद मैं चीनी डालूंगा, तो ये हलवा बन भी जल्दी जाएगा, तो गोरी भी खाएगी, मैं भी खाऊंगा। और ये ज़िंदगी गाइस कभी खुशी कभी गम, तो ये ना ज़िंदगी ऐसा होते हैं, तो इंसान इंसान को लड़ना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। इस तरह मैं हिला रहा हूँ, पता नहीं चल रहा कि ये ना ख़राब हो जाए या जल जाए, तो जल्दी जल्दी हिलाना पड़ता है, मुझे ऐसे लगता है। मैंने ना इस तरह ये चीज़ें नहीं बनाई, मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। हमने कहा कराची में काम करते थे, वो बड़े पतीले होते थे ना, उसका मुझे थोड़ा बहुत पता है, मैं चावल कैसे बनाते हैं या मतलब दाल वगैरह ये कैसे बनाते हैं। ये छोटे पतीले ना, इनका मुझे पता नहीं चलता, नमक ज़्यादा हो जाएगा या चीनी ज़्यादा हो जाएगी या मिर्च ज़्यादा हो जाएंगे, ऐसे हो जाता है। मैंने एक दो बार ट्राई किया था लेकिन नहीं, अच्छे से नहीं बना पा रहा। तो आग ऐसे हमारी माशाल्लाह अच्छी चल रही है, तो ये ना अभी मैं इस तरह हिला रहा हूँ, थोड़ा सा कलर ना चेंज हो जाएगा, तो उसी के बाद इसमें मैं पानी डालूंगा, तो उसी के बाद मैं डालूंगा चीनी, तो इस तरह ना हमारा हलवा इंशाल्लाह बन के हो जाएगा तैयार अच्छे से। तो ये देखेंगे गाइस, अभी तक ना वही कलर चेंज नहीं किया है, सो इस तरह ना अभी कलर चेंज हो गया है मेरे हलवे का। तो ये देखेंगे गाइस, अब इसमें मैं डालूंगा पानी, आग नहीं बढ़ना, आग नहीं बढ़ना। तो ये गाइस गिलास एक मैंने डाल दिए पानी की, तो ये पानी ना खत्म हो जाएगा, उसी के बाद मैं डालूंगा चीनी। तो थोड़ा बहुत जल गया क्या, नहीं जला नहीं अभी तक, सही गाइस माशाल्लाह अच्छे से मैं हलवा गाइस बना रहा हूँ। सो गाइस पानी बिल्कुल खत्म हो गया हलवे से, ये देखें गाइस। तो अपने से मैं डालता हूँ चीनी गाइस, ये इतनी गाइस मैं चीनी डाल रहा हूँ, मेरे ख्याल से मीठा सही हो जाएगा। तो इसको ना अच्छे से हिलाते हैं। गोरी गाइस हलवा बनाती थी लेकिन मैं अच्छे से देखता नहीं था, तो मतलब पता नहीं चलता, गोरी ने हलवा बनाती थी लेकिन मैं अच्छे से देखता नहीं था, तो सोचा पता नहीं चल रहा। सो हलवा बन के हो गया है तैयार, ये देखा कुछ इस तरह का मैंने बनाया है, माशाल्लाह बहुत अच्छा देखने में आ रहा है। तो ये गाइस पतीले में जितना भी था ना वो मैंने डाल दिया है, तो पहले तंजिला बेटी और गौरी को मैं दूंगा, ये खाएंगे तो बच जाएगा ना, वो मैं खाऊंगा, अगर नहीं बचेगा प्यार भी टेंशन नहीं है क्योंकि मेरी तबीयत गाइस सही है। तो आज गाइस मैंने मुर्गों को भी रोटी शोटी नहीं दी गाइस, कबूतर को भी, क्योंकि पहले मैं सुबह वाले टाइम इनको दे देता हूँ रोटी शोटी, आज सुबह वाले टाइम गौरी का मैंने काम करना स्टार्ट किया तो ये टाइम हो गया है। तो अपन गाइस ये हलवा मैं बना के लेके आया हूँ, ये खिलाता हूँ, उसके बाद गोरी मैं दूंगा गोली, वही तंजिला बेटी जल जाएगी। इधर रखता हूँ गाइस, लाले मेरी गुड़िया के लिए मैं लेके आया हूँ, जी जी अब खिलाता है, भूख लगी है, लाले मेरी गुड़िया को भूख लगी। ओ गोरी सो गई क्या, गोरी ओ गोरी गोरी ओ गोरी उठो उठो, हलवा बना के लेके आए, ये खाओ, उसी वक्त गोली देता हूँ आपको, सही है, आ जा उठो, आ जा आ जा। गोरी को मैंने उठा लिया है, अपने हलवा खिला, तो पानी दूं क्या, नहीं वो माखी का मक्खन नहीं है वो गाइस, वो जो होनी कहते हैं क्या गाइस, वो मक्खियाँ, ये देखो ये उड़ रही है, कोई जाओ उधर से तेल बेटी खाओगी क्या, हलवा पड़ा है अभी इन गोरी को मैं, आप खा सकोगे या मैं खिलाऊं आपको, नहीं तो गाइस गोरी खुद खाएगी, तेल बेटी को मैं खिलाता हूँ, तनु बेटी को मैं खिलाता हूँ, मेरी गुड़िया को, लो ले भूख लगी है ज्यादा, अब गर्म नहीं गाइस ठंडा करके मैं दे रहा हूँ, खाओ, लले भूख लगी है, अच्छा बना है? अच्छा बना है? अम्मी की तरफ देख रही है, अच्छा बना है? अभी सर में ज्यादा दर्द है क्या, हाँ जी ज्यादा बुखार का अभी भी ज्यादा है, सर में दर्द ज्यादा है, तो अभी मैं पेनाडोल गोली लेके आता हूँ दुकान से,
वो गोरी को मैं देता हूँ। भूख लगी होगी, बहुत टाइम हो गया है। तो हलवा हमने कहा खा लिया, गोरी ने अभी इधर सो रही है। गोरी के लिए मैं लेके आऊंगा गोली, इधर शॉप है आपको पता नजदीक है, तो तनिल बैठी इसमें मैंने डाल दिया है, खिला पिला दिया है, तो अब नहीं ये मुझे ऐसा लगता है सो जाएगी। ये हलवा का इसको ना ढाप के रख देते हैं, पैर मतलब बेटी को खिलाई, हलवा का मैंने रख दिया है शॉप से, मैं गोली लेके जल्दी आता हूँ। तो उसी के बाद ये कबूतर है मुर्गे, इनको ना मैं अट्टा पड़ा है वो भिगा के देता हूँ, ये खा के फुल हो जाए। अपने चलते हैं दुकान पे, इधर दुकान है नजदीक है, तकरीबन कोई 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा। उधर से लगा रहे गोली हो पेनाडोल गोरी वो अच्छी है, आपको पता है बुखार वगैरह में। कुंडी का मैंने खोल दिए और क्या हवा बहुत बहुत ज्यादा लग रही है, पैर में कल फूट फूट का आवाज आ रहा होगा। तो एक मुर्गा का हमारा ये, एक ये बैठा है और पता नहीं कहाँ चले गए। तो बैर का मौसम का कुछ इस तरह का ये देखेंगे, इस सुनसान लगा हुआ है चारों तरफ, कोई मतलब दूर दूर तक ना आपको बंदा ही नहीं देखने में आएगा। अपने घर कमेंट कर रहे थे आपने इधर घर क्यों लिया, प्लाट क्यों लिया, तो उस टाइम का हमारे पास पैसे नहीं थे कि हम सिटी में किसी में मतलब घर वगैरह लें, तो सिटी में आपको पता है ज़्यादा पैसे चाहिए तो अच्छा प्लाट मिलता है। तो ये वाला जो प्लाट हमें मिला है गाइस, ये 1,25,000 में मिला है। तो शहर से हमने पूछा था लेकिन शहर में बहुत ज़्यादा महंगे प्लाट दे रहे थे। जिस टाइम का मैंने प्लाट लिया था उस टाइम सिर्फ मेरे पास कितने थे 50,000 रुपये थे, बाकी जो पैसे थे वो भी हमने किस्त करके दिए। तो 1-1.5 लाख में आपको पता है प्लाट मिलेगा आजकल। चारों तरफ सुनसान सुनसान है, नहीं गाइस बारिश हो जाएगी तो ये सारा ग्रीन और अच्छा हो जाता है। सो झाड़ू नहीं था तो झाड़ू मैंने एक ले लिया है, ये अच्छी लगे दिया है, और चिप्स भी गोरी के लिए मैंने ले लिया है क्योंकि नमकीन चीज अच्छी लगती है बुखार में, तो पेनाडोल गोरी गाइस मैंने ले ली है। तो अब मैं जा रहा हूँ आपसे घर, ये सामने आप देख रहे हैं ये मेरा घर गाइस, सामने घर ये वाला घर है मेरा। आपसे पहुंच गया अपने घर। गोली गाइस गोरी को मैं दूंगा ना तो ज्यादा तक मतलब चक्कर वगैरह नहीं आएंगे, वरना अगर भूख होती है तो उसमें चक्कर आने के ज्यादा खतरे होते हैं। वैसे गाइस माशाल्लाह आज मौसम काफी अच्छा है, अल्लाह अगर बारिश ना आ जाए तो ये झाड़ू गाइस मैं इसे रख देता हूँ। अब नहीं चलते गाइस अंदर, गोरी अभी तक गाइस सोई हुई है, तो बैठ गया सो गई, तो बैठ गया सो गई, इससे बोलेंगे उठ जा, ये चिप्स मैं आपके लिए लेके आए, ये खाएं, ये ले आजा, उठो उठो।